वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों बता देते हैं व्यापम की जो नई वैकेंसीज के बारे में। पहले तो बता देता हूँ व्यापम में जो ग्रुप्स हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे सब ग्रुप वन होता है, ग्रुप वन होता है, ग्रुप छः तक की परीक्षाएं ली जाती। अभी आपने देखा होगा कि सभी ने की जो परीक्षा थी उसका ग्रुप तीन है, जो कि कम्बाइंड एग्जामिनेशन होता है, और वहीं उसकी डेट के लिए जो संशय बना हुआ है तो मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम अभी तो ऑन डेट है, ऑन शेड्यूल है, और उसके लिए आप तैयारी जारी रखिए, रिवाइज करिए। पहले ना काफ़ी डिस्ट्रक्शन नहीं होते थे। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2017 में तो उस एग्ज़ामिनेशन क्या था, ऑन शेड्यूल हुआ है। मे बी आपके लिए ये परेशानी आती है कि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन से आपको घबराना नहीं है, बस यही करना है कि तैयारी जारी रखनी। एक बार एग्ज़ाम जो है बिल्कुल आपके सामने आ गया है कि अब तो होना ही है, तो बस आप तो अपने फोकस रखिए कि हमें सब इंजीनियर का एग्ज़ामिनेशन देना है, अच्छे से देना है, स्कोर अच्छा करना है, घबराना नहीं। वहीं इस एग्ज़ामिनेशन में क्या रहेगा कि इसमें टोटली जो कैंडिडेट रहेंगे वो केमिस्ट है, तो आप जान सकते हैं कि बायोलॉजी के कैंडिडेट इसमें मोस्ट प्रेफरेबली रहेंगे। और डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हम देखेंगे कि ग्रेजुएशन के जो भी कैंडिडेट हैं, जो जनरल ग्रेजुएशन पे हैं, बीएससी है, बीकॉम है, या फिर बी वाले किस प्रकार से एलिजिबल रहेंगे उसको भी हम देख लेंगे। तो सब ग्रुप जो तीन हैं उसके बारे में देख लीजिए कि इसका पेपर किस प्रकार से रहता है। हालांकि ये पेपर आप देख सकते हैं 2017 में भी आया था, और उसके पहले भी एग्जामिनेशन अलग अलग, जैसे कि उसमें आया था फिशरीज इंस्पेक्टर करके, तो वो एग्ज़ामिनेशन लिया गया था इसी एग्ज़ामिनेशन के अंतर्गत। तो देख सकते हैं ये परीक्षा 2022 की है, इसमें क्या है 10 फरवरी 2023 से आपका एग्ज़ामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। यही आप देख सकते हैं कि 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एडिटिंग आप 10 दिसंबर तक कर सकते हैं जैसे कि इसमें मेंशन है। वहीं इसकी फ़ीस को लेके 500, 250 और 60 और 20 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो हैं। वहीं एडिटिंग का विशेष ध्यान रखिए कि 10 दिसंबर के बाद कोई भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। एडिटिंग आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी इस डेट के बाद। अगर आप और आपकी लिंक होंगी तो मे बी आप एमपी ऑनलाइन से रिक्वेस्ट करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जामिनेशन जैसे इनमें कहीं डिपार्टमेंट होते हैं तो उसकी प्रेफरेंस को लेकर आपको बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। इसमें भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस एक बार गलत हो जाती तो ज़िंदगी भर आपका बिल्कुल रोना वहीं रहेगा। जैसे कि प्रेफरेंस सिंपल सी है, जैसे आप कॉलेज में करते हैं आपको कौन सा कॉलेज नंबर पहले चाहिए, उसी प्रकार से आप ये भी डिसाइड करिए कि कौन सी पोस्ट आपको ज़्यादा सूटेबल है। और सूटेबल करने का एक जो क्राइटेरिया है, आपकी प्रायोरिटी किस प्रकार से रहती है, आपको फील्ड जॉब चाहिए, ऑफिस जॉब चाहिए, आपको ग्रेड पे ज़्यादा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, वर्कलोड ज़्यादा चाहिए, तो इनके लिए आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, जो भी पोस्ट आती हैं उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।